हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आयुर्वेदिक काढ़ा बनाएंगे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आयुर्वेदिक काढ़े के सेवन से होने वाले फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइए पहले जान लेते हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा कैसे बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का में कई इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम इन्हीं से आयुर्वेदिक काढ़ा बनाएंगे। 2 कप काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे 7 मुनक्का, 3 से 4 ग्राम दालचीनी, 4 से 5 ग्राम सौंठ, 5 काली मिर्च और 8 से 10 तुलसी के पत्ते। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अनुसार गुड़ या नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी और मुनक्का को दरदरा कूट लेंगे। मैंने सभी को दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो यहाँ गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब एक पतीले में 1 कप पानी लेंगे, जो लगभग 250 ml है। उसमें कूटे हुए मसाले डालकर मिक्स कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा उबाल आने पर फ्लेम को लो कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब पानी आधा रह जाए तब गैस ऑफ कर दें। गुनगुना होने पर इसे छान लेंगे। हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा बनकर तैयार है। इसे आप गुनगुना ही सर्व करें। सर्व करते समय आप अपने टेस्ट के अनुसार नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, आप इसका सेवन जरूर करें। ये काढ़ा हमें सभी इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है। इवन जब पूरे विश्व में कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, वहीं हम आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर कोरोना के खतरे को कम कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक काढ़ा हमारे इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस काढ़े के सेवन से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शियस डिजीज है, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह काढ़ा कफ और वात को भी कम करता है। इसके सेवन से बदलते मौसम में होने वाली खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तुलसी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होती है। काली मिर्च और सौंठ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और मुनक्का लंग्स को मजबूत बनाता है। यह अस्थमा, दमा और टीबी में भी लाभदायक है। शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इस काढ़े का सेवन जरूर करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।